सो भाई और बहनों अपनी सुरसी की पेड़ी बांध लें, क्योंकि हम अभी जाने वाले हैं स्पेस ड्राइव पे। स्टारफील्ड एक नया माइक्रोसॉफ्ट गेम जो ड्रॉप होने वाला है सितंबर 6 को, काफ़ी कॉस्टली गेम होने वाला है। सो आज हम बात करने वाले हैं उसी गेम के बारे में। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ द बिफोर यू बाय सेगमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टारफील्ड के बारे में। ये एक रिव्यू वीडियो है, सो वी गोना टॉक अबाउट the story, gameplay, the performance, and the negatives and the positive of the game. So stay tuned till the end, guys. It's where we belong. स्टारफील्ड एक साइफाई एक्शन रोल प्ले गेम है जो कि बेथेस्डा ने बनाया है एंड बेथेस्डा ने पब्लिक किया है। बेथेस्डा का ऐसा कहना है कि 25 साल लग गए हैं ये गेम बनाने में, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसी गेम को बनाने में 25 साल लग जाएंगे। GTA 6 को हो सकता है कि 25 साल लग जाए, बट मुझे लगता है ये गेम होगा। ये गेम 2018 में अनाउंस कर दिया गया था बेथेस्डा E3 में, एंड अब जाके 2023 में जाके ये गेम लॉन्च हो रहा है फाइनली सितंबर 6 को। स्टारफील्ड को लेटली बहुत प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा बोला है इस गेम के बारे में। ये गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें अमेजिंग कॉम्बैक्स, विजुअल्स, म्यूजिक एंड आपको अमेजिंग ओपन वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा। तो हम बात करेंगे क्या ये एक्चुअली में उतना अच्छा गेम है या जस्ट हाइप में ये गेम फ्लो होता जा रहा है। ये गेम आपको बहुत अमेजिंग साइफाई एक्सपीरियंस देने वाला है फॉर श्योर। अगर आपको साइफाई चीज़ें पसंद है तो ये गेम पक्का आपके लिए बना है। प्रीवियसली काफ़ी गेम्स ऐसे सिमिलर आ चुके हैं, स्टारफील्ड को ये अपने आप में कोई बहुत यूनिक गेम नहीं है जो इनको 25 साल लग गया पता नहीं बनाने में। नो मैन्स स्काई और मास इफेक्ट जैसे प्रीवियसली सिमिलर गेम्स आए हैं। नो मैन्स स्काई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बोल सकते हो तुम स्टारफील्ड का, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट गेम, बट कॉन्सेप्ट सेम है। वो भी एक साइफाई स्पेस टाइप गेम है और ये भी साइफाई स्पेस टाइप गेम है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स हैं एंड अनस्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ मून्स एंड स्पेस स्टेशंस हैं, मतलब उनका कोई फिक्स नंबर नहीं है मून्स और स्पेस स्टेशन का, बहुत सारे हैं बट थाउजेंड इसमें प्लैनेट्स हैं जिसमें आप प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल कर सकते हो। दैट्स द थिंग जो कि इसको ओपन वर्ल्ड बनाती है, क्योंकि आप डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके यू नो एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट प्लैनेट, लाइक थाउजेंड प्लैनेट्स है गाइस। थाउजेंड प्लैनेट्स का मतलब मैप इसका बहुत बड़ा होने वाला है, फुल यूनिवर्स बहुत बड़ा इसका होने वाला है। गेम एक्चुअली में बहुत सादा ही एडिक्टेड है। जब आप शुरू करोगे गेम तो ये गेम स्लो शुरू होता है, काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो है, स्लो है, स्लो है, स्लोली स्लोली आपको स्टोरी जो है प्रोग्रेस करोगे। तो फन पार्ट है गेम का, जो एक्चुअली में बहुत अमेजिंग पार्ट है, उसको आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी, क्योंकि जो बेस्ट पार्ट है जैसे होता है ना कि सीरीज़ को ही देख रहे हो उसके 4-5 एपिसोड देखने के बाद मज़ा आना शुरू होता है, इसमें भी कुछ वैसे ही है। 10-12 घंटे का या 15 घंटे का गेम प्ले करने के बाद आपको एक्चुअली में मज़ा आना शुरू होगा। वैसे मैं बता दूँ इस गेम की जो मेन स्टोरी है वो 40 आवर्स की है, जिसमें मैंने साइड क्वेस्ट इंक्लूड नहीं करे हैं। साइड क्वेस्ट इंक्लूड करो तो 20-30 आवर्स की साइड क्वेस्ट होगी, तो ओवरऑल 70-80 आवर्स में आप ये गेम कंप्लीट कर दोगे एवरीथिंग, मतलब फुल हंड्रेड एवरीथिंग, यू डन एवरीथिंग, दैट खत्म। काफ़ी ज़्यादा नॉन प्लेयर करेक्टर्स हैं, NPCs हैं, काफ़ी तो एनिमीज़ ही हैं जिनको आप मारोगे, जिनके साथ आप कॉम्बैक करोगे, काफ़ी ऐसे NPCs हैं जिनके साथ आप एनकाउंटर करोगे, बात करोगे। कुछ NPCs ऐसे भी हैं गेम में जो आपका क्रू, आपकी टीम ज्वाइन कर लेंगे। अब उनकी टीम ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, वो आपकी हेल्प करेंगे इन कॉम्बैक, जैसे आपके लिए आइटम्स कैरी करेंगे, शूट भी कर देंगे कभी कभी, आपको हील कर देंगे, आपके बिहाफ पे एक और NPC से जाके बात कर देंगे, आपके बिहाफ पे वो डिसीजन भी बना देंगे। भाई अगर आप कहीं फंस रहे हो, आप कहीं कन्फ्यूज हो रहे हो तो वो डिसीजन ले लेंगे। अगर आपको किसी जाके बात नहीं करनी किसी साइड क्वेस्ट में, आप उसको भेज दो, वो जाके बात कर लेगा। तो ऐसे वेज में भी NPCs हेल्पफुल हो सकते हैं। वो NPCs, हर NPC जो आपकी क्रू में होगा वो अपनी यूनिक स्किल या एबिलिटी भी कैरी करेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इन कॉम्बैट एंड इन अदर वेरियस वे। और हाँ, कुछ NPCs ऐसे भी हैं जिनके साथ आप हाँ कुछ रोमांस वगैरह भी करोगे, मतलब हर टाइप के NPCs हैं जो कि आप फन कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे और
यस वो आपके साथ रहेंगे और NPCs एक्चुअली इस गेम में काफ़ी अच्छे हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से लेके उनकी बॉडी मूवमेंट काफ़ी अच्छी है। प्रीवियसली मैंने एक दो गेम देखे हैं जिन्होंने बहुत ही बेकार करा है इस चीज़ में, जैसे मास इफेक्ट, अगर आपको याद हो जब मास इफेक्ट लॉन्च हुआ था तो उसको बहुत गालियाँ पड़ी थी, लोगों ने बोला था यार क्या कर दिया तुमने, फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, डालना भूल गए क्या? उन्होंने बोला हाँ एक्चुअली हम डालना भूल गए, देन उन्होंने दोबारा एक्सप्रेशन डाल दिए अपडेट करके, बट फिर भी वो मज़ा नहीं आया और वही रीज़न था कि वो मैंने गेम नहीं खेला। मैंने वो एक घंटा खेला और मेरा फिर मन ही नहीं गया, तो इस गेम में वो इश्यूज नहीं है। विजुअली ये गेम बहुत सुंदर है, लाइक विजुअली अगर देखोगे तो ये गेम बहुत सुंदर है ग्राफिकली और विजुअली, ये गेम लाइक वर्थ है, मतलब 25 साल की जो मेहनत है मुझे लग रहा है यहाँ ही गई है, विजुअल्स में ही गई है। गेम शुरू होता है और आप शुरुआत में ही गेम के शुरुआत में ही आप अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हो, लाइक लिटरली आप करेक्टर को पूरा डिज़ाइन करते हो, जैसे मोल्डिंग करते हैं ना, जैसे कोई 3D करेक्टर बनाते हैं पिक्चर के लिए या किसी एनिमेटेड मूवी के लिए, वैसे ही पूरा आप अपना करेक्टर बनाते हो फ्रॉम द बॉडी टाइप एक्सपीरियंस बैकग्राउंड ट्रेट्स एवरीथिंग आप सिलेक्ट करते हो, एक एक डिटेल आप अपने करेक्टर के फेस की या बॉडी की चेंज कर सकते हो, इतने इमेंस लेवल ऑफ ऑप्शंस हैं करेक्टर बनाने में, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। शुरू होता है आप थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होता है, फिर वो एक बूम करके एक चीज़ आती है जिसमें आपको अपनी पहली स्पेसशिप की मिलती है, तो वहाँ से राइड आपकी शुरू हो जाती है। गेम मैंने बताया बहुत स्लो है स्टार्टिंग में, बट एक बार जब वो पेस पकड़ेगा तो गेम बहुत बहुत ज़्यादा फन है। गेम की स्टोरी की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जनरली अपने रिव्यू वीडियोज़ में बात नहीं करता क्योंकि वो स्ट्रेट अप स्पॉयलर होता है और वो स्पॉइल कर देता है फन। स्टोरी में सिंपल फैक्ट में ये बताऊँगा 40 आवर्स की है और एक्चुअली में काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इतना ही जान लो आप ह्यूमंस हैं, कुछ टाइम पहले वो मार्स पे चले गए थे, वहाँ पे देखा ह्यूमंस ने कि यहाँ पे रहा जा सकता है तो वो वहाँ रहने लग गए। ऐसे करते करते वो डिफरेंट प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने लग गए और उनको लगा यार हम यहाँ रह सकते हैं। कुछ प्लैनेट ऐसे रह गए जहाँ पे एक्सप्लोरेशन अभी बची है, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करोगे, देखोगे कि भाई यहाँ पे क्या है, क्या सीन है, क्या चल रहा है। ऐसे ही करते करते प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं प्लैनेट्स पे, वहाँ पे आप क्राइम वगैरह सॉल्व करोगे। मैं बहुत ही बेसिक वे में आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये इसकी स्टोरी है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इन दी एंड कंक्लूड स्टोरी का मैं यही करूँगा कि स्टोरी लंबी ज़रूर है बट काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। गेम में जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी वो कॉम्बैट। यस हम गाइस हम खेल क्यों रहे एक्शन गेम, हम खेल रहे हैं एक्शन गेम फॉर एक्शन, और एक्शन कैसे होता है कॉम्बैट से। इस गेम का कॉम्बैट बहुत बहुत बढ़िया है। स्पेसशिप्स आपको मिलती है डिफरेंट स्पेसशिप्स, आप स्पेसशिप से भी स्पेस में आप गैलेक्सी में लड़ रहे होते हो, वो कॉम्बैट भी बहुत बहुत बढ़िया है। बात करते हैं तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन वाला, हाँ एक और चीज़, ये गेम आप थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों में खेल सकते हो, आप कभी भी स्विच कर सकते हो फ्रॉम थर्ड पर्सन टू वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन। जो कन वाला कॉम्बैक्ट है, जो ऑन ग्राउंड कॉम्बैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा सॉलिड लगा। जो पूरा मैकेनिक्स है और पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो स्टाइल है कॉम्बैक्ट का, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इमेंस लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है, आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, लिटरली आपको एक्सप्लोर करना है, आपको चीज़ें उठानी है, मॉड्स भी है इस गेम में, आप गन गन पे डिफरेंट मॉड्स लगा सकते हो, आई थिंक 2 मॉड आप एक बारी में लगा सकते हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट जितना मुझे याद है आप 2 मॉड एक गन पे लगा सकते हो। वन ऑफ द मॉड मेरे को मिला था, उसमें आप करेक्टर को हील कर सकते हो, जब आप एनिमी को मारोगे या शूट करोगे आप करेक्टर हील होगा। कुछ कुछ मॉड्स तो ऐसे भी है जब आप एनिमी को मार दोगे तो वो मेडकिट ड्रॉप कर देगा। मेरे को मॉड्स काफ़ी अच्छे लगे, मॉड सिस्टम काफ़ी लगा अच्छा लगा। एपिक एंड लेजेंडरी लूट्स हैं, एपिक वेपन्स भी बहुत अच्छे हैं, लेजेंडरी वेपन्स भी बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ वेपन्स तो ऐसे हैं जिनकी जितना ज़्यादा आप शूट करते रहोगे उनकी डैमेज बढ़ जाएगी, तो दैट्स काइंड ऑफ लेजेंडरी वेपन, ये आपको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। बात करते हैं स्पेसशिप की कस्टमाइजेशन लेवल की, तो वो भी बहुत डीप है, लिटरली आपको ऐसे लगेगा कि आप अपनी स्पेसशिप खुद बना रहे हो, उसमें आप लिटरली बहुत सारे लेवल की कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस ये तो होगी सारी अच्छी बातें गेम की, गेम अच्छा है जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं गेम के बारे में और जो सब लोग बातें कर रहे हैं गेम के बारे में वो गलत नहीं कर रहे हैं। गेम एक्चुअली में बहुत अच्छा है, एडिक्टेड है, बहुत फन है, कॉम्बैट बहुत फन है, विजुअली गेम देखने में बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं गेम के, गेम की स्टोरी बहुत अच्छी है, गेम का जो पूरा मैप डिज़ाइन किया है बेथेस्डा ने, इतना बड़ा मैप डिज़ाइन किया है, बहुत ब्यूटीफुल है। पजल्स हैं इस गेम में, काफ़ी डिफरेंट पजल्स हैं, पजल्स आर एक्चुअली गुड, इज वन ऑफ द गेम जिसमें मेरे को पजल्स एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं, गेम बहुत सॉलिड है। अब बात करते हैं गेम्स में नेगेटिव्स क्या है, मतलब पॉजिटिव्स की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कि गेम में नेगेटिव्स क्या है। तो अभी जिस पैच की मैं बात कर रहा हूँ वो लॉन्च पैच है जो आपको सितंबर 6 को मिलने वाला है,
उसके बाद जो भी गेम में फ्यूचर अपडेट होते हैं मुझे नहीं लेना देना उनसे, क्योंकि मेरे टाइम तक तो वो नहीं आए। तो सबसे मेजर जो इशू अभी करेंटली चल रहा है वो परफॉर्मेंस का चल रहा है। गेम परफॉर्म नहीं कर रहा है बिल्कुल भी ढंग से। परफॉर्मेंस का मतलब लैग हो रहा है गेम। एंट्री लेवल जीपीयूज के लिए ये गेम नहीं है। अगर आपके पास एंट्री लेवल जीपीयू है तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बहुत पुअरली ये गेम परफॉर्म करने वाला है। अगर आपके पास 1080 है, 2080 है, 1070 है, या मे बी 2070 है, 3080 है, 4080 है, तो ये गेम बहुत बढ़िया चलेगा, नो डाउट। पर अगर आपके पास एंट्री लेवल जीपीयूज, एंट्री लेवल जीपीयूज होते हैं 3050, 3060, 1050, 1060, 4050, 4060, 2050, 2060, TI, all the TIs also. These are the entry level GPUs, जिनमें ये game work नहीं कर रहा है। AMD में भी यही scene है, जो भी AMD का entry level GPUs है उनमें work नहीं कर रहा है ढंग से भी। बहुत lag होता है, FPS drops होते हैं, crash हो जाता है। जब भी आप किसी NPC से बात करने जाते हो game crash हो जाता है। जब भी आप कोई intense level सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे बहुत ही ग्राफिकली बहुत कुछ हो रहा है, एक्शन हो रहा है, सब हो रहा है, बहुत सारे शेडर्स एकदम से आ गए, वहाँ पे गेम हैंडल नहीं कर पाता और वो क्रैश हो जाता है। ये सारी दिक्कत हो रही है सिर्फ एंट्री लेवल जीपीयूज में। अगर आप अमीर हो, आपके पास अंधा पैसा है और आपके पास 90-90 है सबके, तो कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली, बड़ा मक्खन चलने वाला है गेम। और अगर आपके पास अंधा पैसा है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो तो देख ही नहीं रहे होते, क्योंकि आप जस्ट परचेज कर लेते पैसे। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास अंधा पैसा तो नहीं है और आप एंट्री लेवल जीपीयू यूज़ कर रहे हो, और आपके लिए गेम अभी तो नहीं बना। फ्यूचर में लोग अपडेट कर देंगे तो बेटर हो जाएगा, बट अभी तो ये गेम करेंटली वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक और जो चीज़ है जो मेंशन करना चाहूँगा मैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गेम में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट एक चीज़ है कि मैप ही नहीं है गेम में। गेम में मैप ही नहीं है, ना मिनी मैप है, ना मेन मैप है। एक मैप काइंड ऑफ चीज़ है गेम में, वो आपको बताती है कि इधर ये प्लानेट है, इधर ये है, आप इधर खड़े हो, बट उसको मैं मैप बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ नेविगेट नहीं करता, वो कुछ आपको गाइड नहीं करता। मैप इसलिए होता है ना कि आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रैक करके, आप गाइड करके, नेविगेट करके आप जा सको, पर नहीं, इसमें ऐसा कोई मैप ही नहीं है। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो गेम में ना तो कोई मैप है, ना तो कोई मिनी मैप है, जो कि मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों, मतलब गेम में कोई मैप क्यों नहीं है। ये तो ओपन वर्ल्ड गेम का बेसिक्स होना चाहिए ना कि मैप डालो भाई गेम में, मैप ही नहीं है गेम में। और ये दूसरी चीज़ बता दो गेम के बारे में जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों है इस गेम में, क्यों ये लोग ऐसे पंगे ले रहे हैं। गेम कुछ भी खुद एक्सप्लेन करता ही नहीं है, लाइक कोई गाइडेंस ही नहीं है। हम कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो वो पहले तो नॉर्मल की कीज़ बताता है कि इससे फॉरवर्ड होगा, इससे बैक होगा, इससे शूट होगा, इससे इन्वेंट्री को ले, इससे आप क्राफ्ट कर सकते हो, यहाँ जाके आप ये कर सकते हो। कोई भी नया सिस्टम खुलता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये सिस्टम अब वर्क कैसे करेगा। जैसे मान लो स्पेसशिप का कस्टमाइजेशन सिस्टम खुला तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये वर्क कैसे करेगा। नहीं, ये गेम कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। गेम कहता है कि आप भाई तुम्हें गेम दे दिया है मैंने, यार तुम करो फिगर आउट, 25 साल लग गए गेम बनाने में, अब ये भी हिम्मत है, तुम खुद करो फिगर आउट। तो मतलब कुछ नहीं बता रहा ये गेम आपको लिटरली कुछ नहीं बता रहा, आपको कोई गाइडेंस कर ही नहीं रहा है, आपको खुद ही हर चीज़ फिगर आउट करनी है, ये क्राफ्ट कैसे करना है, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ मैं कहाँ ढूंढूँ, इस चीज़ से क्या होता है, ये चीज़ क्यों है गेम में, वो सब आपको खुद ही फिगर आउट करना है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी यार, कि ये चीज़ बेटर हो सकती थी। तीसरी चीज़, गेम में अभी भी बहुत बग्स है, ऑन लॉन्च गेम में बहुत बग्स है, मेरे को समझ नहीं आ रहा जो गेम वो, जैसे साइबरपंक को 10 साल लगे थे जब वो लॉन्च हुआ तो उसमें बग थे, इतने 10 साल तक क्या किया है जो कि तुम गेम जब लॉन्च हो रहा है तो उसमें बग हो रहे हैं। अब ये भी बोल रहे हैं कि हमने 25 साल इन मेकिंग है ये गेम, अरे फिर भी कैसे बग है तुम्हारे लॉन्च हुए गेम में, फिक्स करो ना। मेरे हिसाब से तो कोई बग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 25 साल में तो कितनी बार ये गेम टेस्ट होना हो जाना चाहिए, लिटरली हर सिस्टम पे हर तरीके से गेम टेस्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद लॉन्च पे इतने बग कैसे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। कि मतलब इतना बड़ा गेम है, इतना हाईली इन्वेस्टेड ये गेम है, और 6000 का ये गेम है, बग कैसे हैं गेम में, बहुत सारे ग्लिचेज हैं। जैसे स्पेसशिप के कस्टमाइजेशन में ग्लिच आउट हो जाता है, कोई भी आपने स्पेसशिप ली उसको आपने कस्टमाइज किया तो वो सिस्टम पूरा ग्लिच आउट हो जाता है और वो कुछ अप्लाई नहीं होता स्पेसशिप पे। कभी कभी सिनेरियोज में स्पेसशिप ही काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे गेम में बग क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ऐसे ही इस गेम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बट अब मैं ज़्यादा नेगेटिव्स के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने मोटा मोटा ऊपर से बोल ही दिया कि ग्लिचेस वगैरह बहुत है, परफॉर्मेंस इशू है, मैप ऐप का मैंने बता दिया। कंक्लूड अगर मैं करूँ इस गेम को, तो गेम सॉलिड है, देखो गेम बहुत बढ़िया है। मैं फालतू का हेट नहीं करूँगा किसी भी गेम को, जो सच बात है वो बता रहा हूँ, गेम बहुत सॉलिड है, गेम बहुत एंजॉइंग है, एडिक्टेड है, फन है।
अब बात आती है कि गेम जो प्राइस पे लॉन्च हुआ है उस प्राइस पे वर्थ है या नहीं। देखो गॉड ऑफ वॉर जब आया था तो गॉड ऑफ वॉर की मेन स्टोरी भी 30-40 आवर्स के अराउंड थी, और अगर साइड क्वेस्ट भी आप करोगे तो वो 50-60 आवर्स का गेम प्ले था। गॉड ऑफ सबको पता है, गॉड ऑफ वॉर जो भी लेटेस्ट वाला आया था PS4 और PS5 पे, द गॉडली गेम है वो, मास्टरपीस ऑफ सिनेमैटिक एंड मास्टरपीस वो ऑलरेडी बन गया है गेम, क्योंकि लोग सालों सालों तक याद रखने वाले हैं। वो गेम भी 4000 का PS4 पे लॉन्च हुआ था और 5000 का PS5 पे, ये गेम 6500 रुपये का लॉन्च हो रहा है, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों ये गेम 6500 का लॉन्च हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी वो US का कुछ चल रहा है, डॉलर का भी इंडिया में नया लॉ आया है, उसी वजह से ये गेम महंगा है। कितना ही महंगा हो गया होगा उस वजह से। अगर ये गेम 5500 का या 5000 का भी लॉन्च होता तब भी मैं इस गेम को महंगा बोलता, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से 4000 का लॉन्च हो सकता है, ये लोग बेशरम हो रहे हैं फालतू का, ये लोग इतना महंगा, ये लोग 6500 का इस गेम को निकाल रहे हैं। तो 6500 में तो मैं इसको बिल्कुल भी वर्थ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी गेम में ग्लिचेज है, सब चीज़ है, एंट्री लेवल GPUs पे ढंग से काम नहीं कर रहा है। मान लो मैंने ये गेम खरीद ली और गेम में कोई प्रॉब्लम हो गई और मेरे को मज़ा ही नहीं आया गेम में, तो मेरे तो 6500 रुपये कूड़े में चले जाएंगे ना। तो बेस्ट चीज़ अगर आप कर खेलना है आपको तो आप कर सकते हो ये गेम, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने बोल ही दिया है कि जो भी उनके AAA टाइटल्स फ्यूचर में आएंगे वो सारे गेम पास पे आ जाएंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेस्ट पार्ट यही है कि ये गेम 300 रुपये का गेम पास पे अवेलेबल है। अब दो चीज़ें मैं एक बार मैं बताता हूँ, अगर किसी ने ईयरली मेंबरशिप ले रखी है तो वो भी 6000 से सस्ती पड़ेगी। अगर आप ईयरली मेंबरशिप लोगे गेम पास की तो वो भी आपको 6000 की नहीं पड़ेगी, वो भी आपको सस्ती पड़ेगी। बट ये गेम आप लिटरली 300 रुपीज में खेल सकते हो। कैसे? अगर आप गेम पास खरीदोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम हो, आपने कभी भी जिंदगी में गेम पास नहीं खरीदा, तो आपको सिर्फ 50 रुपए का पड़ेगा। और आपने कभी पहले गेम पास खरीद लिया है तो गेम पास के जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 350 रुपीज। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जा सकते हो, वहाँ पे एक्सबॉक्स गेम पास करके आप खरीद सकते हो, वो 350 रुपीस का पड़ता है और उसमें ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गेम पास खरीदो, डाउनलोड करो, खेलो, मंथली 350 रुपीस, एक महीने के 350 रुपए दो और खेल लो ये गेम। एक्सबॉक्स में भी सेम है, एक्सबॉक्स में क्या रेट है गेम पास का वो मुझे नहीं पता, बट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे वो 350 का है। तो गाइस यही है, अगर आपको खेलना है तो खेलो, गेम बहुत सॉलिड है। अगर आपको मेन गेम खरीदना है तो वो आप वेट कर लो, मैं तो यही बोलूँगा कि वेट कर लो। 6000 का तो बहुत एक्सपेंसिव है, सेल में होता है 4-5000 रुपये का, तो आप खरीद सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने कोशिश करी है काफ़ी कुछ कवर करने की, और अगर मैं बात करूँ उस गेम के बारे में तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, उतनी बड़ी वीडियो मैं बनाने चाहता। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू गाइज प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, जो गेम खरीदने की प्लान कर रहे हैं। एंड गाइस ऐसी वीडियो अगर और देखनी है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।